2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का जिसने बनाया था मास्टर प्लान, 2016 में जिसकी स्ट्रेटजी ने बनाया स्टालिन को बड़ा नेता, पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के जाने के बाद भी जिसने AIADMK की साख को मजबूत किया, क्या वो शख्स कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ सुनील कानूगोलू की। जिस भी पार्टी के लिए वो काम करते हैं शायद उस पार्टी के कार्यकर्ता भी उन्हें नहीं जानते, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी ने इस देश की राजनीति को बदल कर रख दिया है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर 2024 में लोकसभा चुनाव तक की प्लानिंग का भार जो है वो इनके ऊपर है। क्या वो कांग्रेस की साख को बचा पाएंगे? आज बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। पोल स्ट्रेटजिस्ट यानी कि चुनावी रणनीतिकार, ये सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है PK यानी कि प्रशांत किशोर का। लेकिन एक ऐसे भी रणनीतिकार हैं जो लोकी रहकर काम करते हैं और उसका असर जो है वो पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स पर पड़ता है, और शायद इसीलिए कांग्रेस ने अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए इनसे मदद मांगी है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कौन है सुनील कानूगोलू, तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो सुनील कानूगोलू ने US जाने से पहले अपनी पढ़ाई चेन्नई में की। ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में करने के बाद उन्होंने 2 पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एक MS इन फाइनेंस, दूसरा MBA। साल 2009 में वो US से फाइनली इंडिया वापस आए। अब वो एक चुनावी रणनीतिकार हैं, लेकिन इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट पोल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर से उनका काम करने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए शायद ज्यादा लोग उन्हें जानते नहीं है। अब इनकी बात इतनी हो गई है तो इनके बारे में जानने के लिए भी आप काफी एक्साइटेड होंगे। तो सुनील कानूगोलू की सबसे सक्सेसफुल कैंपेन में से एक था साल 2016 का तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव, जिसमें उन्होंने DMK के लिए स्ट्रेटजी बनाई थी। प्रेजेंट CM MK स्टालिन के लिए उन्होंने नमाक्कू नामे नाम से कैंपेन चलाया था जो काफी सक्सेसफुल रहा। हालांकि वो इलेक्शन DMK हार गई थी, लेकिन इस कैंपेन में MK स्टालिन बड़े नेता बनकर उभरे थे। 2014 में PM नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कैंपेन में भी कानूगोलू का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। उन्होंने BJP के लिए एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स बनाया था, जिसका फायदा भाजपा को खूब हुआ। तमिलनाडु के बाद कानूगोलू एक बार फिर से BJP का दामन थामा। अपनी टीम के साथ इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और कर्नाटक में हुए असेंबली इलेक्शन में BJP के लिए स्ट्रेटजीज बनाई और उसका रिजल्ट भी डायरेक्टली देखने को मिला। इन सब चुनाव के बाद स्टेट लेवल पर BJP एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी थी। साल 2018 तक उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ काम किया। फिर साल 2019 में लोकसभा इलेक्शन से पहले DMK में उनकी वापसी हुई। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के जाने के बाद जब सबको लग रहा था कि AIADMK बिखर जाएगी, तब कानूगोलू ने 2021 में AIADMK के लिए न केवल प्लानिंग की बल्कि उनकी साख को और मजबूत किया। कानूगोलू ने अपने स्ट्रेटजीज का लोहा तो मनवाया है और यही कारण है कि अब बिखरी हुई कांग्रेस को समेटने के लिए इनकी मदद ली जा रही है। उदयपुर में कांग्रेस ने चिंतन शिविर आयोजित करवाया था, जिसमें 3 टीमें बनाई गई थीं। पॉलिटिकल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक टीम, दूसरी टास्क फोर्स 2024 और थर्ड टीम भारत जोड़ो यात्रा के लिए बनाई गई थी। इस प्लानिंग में सुनील कानूगोलू का नाम जो था वो सबसे ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि इनको कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारी में जुटी हुई है और कानूगोलू उसी का हिस्सा है। भारत जोड़ो यात्रा के पीछे भी जो दिमाग है वो इन्हीं का बताया जाता है। तो क्या सुनील कानूगोलू की ये प्लानिंग सफल हो पाएगी? क्या भारत जोड़ो यात्रा का असर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर होगा? जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे, जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।